हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 सिलेक्टेड ऐसे स्मार्टफोनों के बारे में जिनके अंदर आपको किसी फीचर को लेके कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप भी अभी के टाइम पे एक न्यू फोन बाय करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए रहने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर पूरी देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन सा फोन परचेज करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इन फोन के अंदर आपको काफी अच्छी अल्टीमेटली डिजाइन देखने को मिलेगी। फोन के अंदर आपको काफी अच्छा तगड़ा पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप फोन के अंदर अच्छे से गेमिंग कर पाओगे, हार्ड वर्क अच्छे से कर पाओगे, मल्टीटास्किंग इजीली कर पाओगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट और बात कर लेते हैं फर्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है वीवो की तरफ से, वीवो T1 Pro। दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन की डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.44 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, HDR10+ की सपोर्ट है, 1300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस, 85.1% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। साथ ही साथ बात कर लेते हैं फोन की चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, फंटोस 12 का एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन के वेरिएंट के बारे में। ये फोन आपको 128GB+6GB रैम के बेस मॉडल में देखने को मिलेगा। मेन कैमरा आपको ट्रिपल शटर के साथ देखने को मिलेगा, रियर कैमरा 64MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, डुअल LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 1080p 30% मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर नहीं दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। 4700mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 66W फास्ट चार्जिंग को। 18 मिनट में आप इस फोन को 50% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, ग्लास की प्रोटेक्शन डिस्प्ले के अंदर है, 180.3 ग्राम का वेट है, 8.5mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन की प्राइस आपको 23,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.6 इंचेस की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसकी स्क्रीन को स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट, 82.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर कोनी गोला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का हाईली पावरफुल चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 8 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाएगा। फोन UI 5.1 का एक्सपेंस देखने को मिलेगा फोन के अंदर। बात कर लेते हैं फोन के वेरियंट के बारे में। ये फोन आपको 128GB+4GB रैम के बेस बैंड में देखने को मिलेगा। मेन कैमरा आपको ट्रिपल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा, रियर कैमरा 50MP का, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो, LED फ्लैश देखने को मिलेगी मेन कैमरे के अंदर। मेन कैमरे से आप 4K Wide 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 8MP का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 5000mAh की बैटरी है, जो कि सपोर्ट करेगी 25W फास्ट चार्जिंग को। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको बैक फ्रेम दोनों प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, डिस्प्ले के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 198 ग्राम का वेट है, 8.4mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन की प्राइस के बारे में। इस फोन के प्राइस आपको 16,999 रुपीज देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड लास्ट फोन के बारे में, जो कि रहने वाला ओप्पो की तरफ से, ओप्पो F21 Pro 5G। दोस्तों, इस फोन के अंदर भी आपको काफी अच्छी डिजाइन देखने को मिलेगी, फोन के अंदर आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन के अंदर आपको 6.43 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस, 85.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। डिस्प्ले के अंदर एस्कॉर्ट एक्जिनेशन ग्लास का प्रोडक्शन दिया गया है। बात कर लेते हैं फोन के चिपसेट के बारे में। फोन के अंदर आपको ऑक्टाकोर का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 6 नैनोमीटर के साथ आता है, एंड्रॉइड वर्जन 12 पर बेस्ड है, कलर OS 12 का एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं फोन के वेरिएंट के बारे में। ये फोन आपको 128GB+8GB रैम के बेस मॉडल में देखने को मिलेगा। UFS 2.2 टाइप की स्टोरेज है। मेन कैमरा आपको ट्रिपल शटर के साथ देखने को मिलेगा, रियर कैमरा 64MP का,
2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, एलडी फ्लैश देखने को मिलेगी मैन कैमरे के अंदर। मैन कैमरे से आप 1080p वाइड 30fps मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेल्फी कैमरा आपको सिंगल सेटअप के साथ देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल का। 3.5mm का जैक फोन के अंदर दिया गया है। USB की बात करें तो आपको टाइप सी देखने को मिलेगी 2.0 विद OTC कनेक्ट। फोन के अंदर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। 4500mAh की बैटरी है जो कि सपोर्ट करेगी 33W फास्ट चार्जिंग को। 15 मिनट में आप इस फोन को 31% ईजिली चार्ज कर पाओगे। बात कर लेते हैं फोन की बिल्ड क्वालिटी के बारे में। फोन के अंदर आपको कैमरा के अराउंड जो है रिंग लाइट देखने को मिलेगी। 173 ग्राम का वेट है, 7.5mm की थिकनेस है। फाइनली बात कर लेते हैं फोन के प्राइस के बारे में। इस फोन के प्राइस आपको 22,999 रुपीज़ देखने को मिल जाएंगे। आप फ्लिपकार्ट एंड अमेजन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और इन फोनों में से जो भी फोन आपको ज़्यादा बेस्ट लगा हो उस फोन को आप अपनी नीड एंड प्योरिटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और थोड़ा सा हमारा भी।